हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मेरा पहला ब्लॉग। आज है 6th of May एंड एक नया स्टार्ट, सो लेट्स गो। आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक, क्योंकि आज पार्ट टाइम जाना है। यहाँ पर पार्ट टाइम जाना मतलब पूरा दिन का शेड्यूल सिर्फ पार्ट टाइम में ही रह जाता है। लेट्स सी क्या होता है। पहले मैं कुछ मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ ओडिशा से, एक बहुत ही छोटे बट बहुत सुंदर जगह से, रायगढ़ से। मेरा स्कूलिंग वहीं हुआ है बचपन से। मैं अपना 11th एंड 12th पढ़ने में भुवनेश्वर गया, जो उड़ीसा का कैपिटल है। देन मैं अपना बैचलर्स किया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU पंजाब बायोटेक्नोलॉजी में। फिर आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल्स और अपोलो रिसर्च एंड इनोवेशन क्लिनिकल रिसर्च में। देन या आई लैंडेड अप हियर फॉर माई मास्टर्स। और सभी यही सोचते हैं कि UK या फिर कोई भी अब्रॉड कंट्री में इंडिया से जब कोई जाता है अपना लाइफ बनाने या फिर हायर स्टडीज करने, तो लाइफ इजी हो जाती है, सेटल हो जाती है। पर ऐसे होता नहीं है, अक्सर खुद का सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। पहले यहाँ पर आओ तो लाइक माइंडेड पर्सन ढूंढना पड़ता है, दोस्त तो चाहिए ना। दोस्त ढूंढते ढूंढते 1-2 महीना चले जाता है, फिर मॉड्यूल समझो। इंडिया से यहाँ का पढ़ाई इतना अलग है, बहुत ही अलग है। मेरा एग्जांपल ऐसे लो कि मुझे 3 महीना तो लग ही गया कि ओके, ये मुझे पढ़ना है, क्योंकि मेरा मेरा मॉड्यूल इतना डिफरेंट था इंडिया से कि मैं एब्जॉर्व ही नहीं कर पाया अंदर। और फिर पार्ट टाइम ढूंढो। कोई कोई लकी होते हैं कि पार्ट टाइम आते ही मिल जाते हैं, कोई कोई लकी नहीं होते हैं। कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं अभी जिनको अभी भी पार्ट टाइम मिला नहीं है। जिसको पार्ट टाइम जल्दी मिल जाता है तो वो बोलता है कि नहीं यार, पार्ट टाइम ढूंढना बहुत ईजी है, पार्ट टाइम तो मिल ही जाता है, यूं मिल जाता है। लेकिन जिसको नहीं मिलता है वो बोलता है बहुत स्ट्रगल है। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड का स्टोरी मिलेगा। तो कोई कोई लकी होते हैं। और फिर खुद का खाना बनाना है, खुद का केयर लेना है। मेन मेन चीज़ तो यहाँ ये होती है कि क्लाइमेट डिफरेंस हो जाता है। इंडिया में जिस टाइप की क्लाइमेट में हम रहते हैं, हम जितने भी स्टूडेंट्स, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो भी इंडियन क्लाइमेट कंडीशन से आता है, यहाँ बाहर आता है, वो यहाँ टोटल डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पता नहीं कब बारिश हो जाता है, धूप हो जाता है, 5 मिनट में बारिश, बाहर निकलो धूप, फिर बारिश, कभी बर्फ पड़ रही है, ये क्या है भाई, कुछ भी होता रहता है। तो आप खुद का केयर लो, क्लासेस अटेंड करो, असाइनमेंट्स करो। इतना असाइनमेंट्स यहाँ होता है क्या ही बोले। और असाइनमेंट्स इतना ईजी नहीं होता है, जैसे बैठना पड़ता है पूरा रात लाइब्रेरी में, पूरा रात देना पड़ता है लाइब्रेरी में, बैठना पड़ता है, करना पड़ता है, तब भी अच्छे मार्क्स आते नहीं है। तो ये सब स्ट्रगल्स हैं, और ये सब स्ट्रगल्स के बाद अगर कुछ आता है, पता नहीं फ्यूचर में पता चलेगा कि सक्सेस कितना आता है। तो अभी तक तो यही सब चल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक। कुछ डेजर्टेशन का काम था, उसको ख़त्म किया, फिर अभी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। कुछ एक तो छोटा मोटा कुछ बना लूँगा। मोस्टली यहाँ पर बेस्ट चीज़ होता है एग, अंडे में कुछ भी बना लो, एग ब्रेड, अंडा ब्रेड, ऑमलेट, ये सब बेस्ट रहता है। मैं भी सोच रहा हूँ वही कुछ बना लूँ। और
फिर जाऊंगा, रेडी होना है, फिर पार्ट टाइम भी आ जाए, जाना है, मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटा लगता है। और मैं कैसे जाता हूँ पार्ट टाइम, बात करते हैं हम, खाते खाते बात करते हैं। सॉरी गाइस, बहुत भूख लग रहा था, मैं खा लिया ये ब्रेड, अंडा, पाव अंडा, बेस्ट है। सो मैं कैसे जाता हूँ यहाँ से, मतलब पार्ट टाइम कैसे जाता हूँ, मैं रहता हूँ लिवरपूल में, सिटी सेंटर ही बोल सकते हैं, लिवरपूल में रहता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ पार्ट टाइम करने वारिंगटन। सो यहाँ से लगभग 1 आवर लगता है, तो मेरे पास है साइकिल, मैं साइकिल से 1 घंटा नहीं जाता हूँ, साइकिल एंड ट्रेन बोथ दोनों को मिला के मुझे 1 घंटा लगता है। सो यहाँ से मैं जाता हूँ ट्रेन स्टेशन, वहाँ पे मैं अपना साइकिल बोर्ड करता हूँ ट्रेन में, ट्रेन में जाता हूँ, फिर वहाँ से 15 मिनट लगता है, वारिंगटन स्टेशन से 15 मिनट लगता है। सो ये पूरा ऐसे मैं जाता हूँ, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे मैं बोर्ड करता हूँ अपना साइकिल ट्रेन में, कैसे बोर्ड करता हूँ। सो लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट, ठीक है, मिलते हैं बाद में, ओके बाय बाय। हाय, मैं रेडी हो चुका हूँ अपने पार्ट टाइम में जाने के लिए, और मैं थोड़ा जल्दी ही निकल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे साइकिल बोर्ड करते हैं ट्रेन में। और बहुत अच्छा मौसम है आज, धूप यूके में बहुत कम होती है लेकिन आजकल हो जाती है, ये 1-2 मंथ शायद ऐसे ही धूप होगा, लेकिन कल बहुत बारिश हुई थी। तो जाता हूँ धीरे धीरे थोड़ा मौसम का मज़े लेते हुए, मिलते हैं स्टेशन पे। ट्रेन में बोर्ड कर चुका हूँ और बहुत जल्दी जल्दी मैं आया हूँ, इसीलिए दिखा नहीं पाया। यहाँ ट्रेन सब अपना इंडियन मेट्रो के जैसे है, हर एक स्टेशन के पहले और हर एक इंस्ट्रक्शन जैसे देते हैं ना इंडियन मेट्रो में, वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलता है। और ये रहा साइकिल, साइकिल के लिए एक सेपरेट कंपार्टमेंट रहता है, साइकिल का सिंबल रहता है, जिस कंपार्टमेंट में साइकिल का सिंबल रहता है सिर्फ उसी साइकिल उसी कंपार्टमेंट पे ही जा सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, मैं बहुत थक चुका हूँ, सुबह 2 o'clock गया था पार्ट टाइम में और अभी रिटर्न आ रहा हूँ, अभी रात के 12 बज रहे हैं और आई हैड माई डिनर और अभी मैं सोने जा रहा हूँ। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। इफ़ यू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक इन योर माइंड रिलेटेड टू यूके, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो लाने के लिए। ओके देन, सी यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो और आपको इस तरह का वीडियो आगे देखना है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट लाइक बटन। बाय बाय।